नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीसी सखी योजना यानी कि बैंक सखी योजना के भीतर गांव में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होती हैं उनको जो है रोजगार देने के लिए, उनको सशक्त करने के लिए सरकार काफ़ी टाइम से प्रयास कर रही है। और उसके लिए काफ़ी दिन पहले, जैसे कि आपको पता होगा, कि ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए थे कि जो लोग बीसी सखी में अपना फॉर्म भरना चाहते हैं वो उनका जो प्रोसेस है उसके ज़रिए से अप्लाई कर सकते हैं। और अब इसके भीतर जो है सिलेक्शन होके उनकी ट्रेनिंग और उनको कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर वगैरह मिलने लगे हैं। तो क्या पूरा अपडेट है बताऊंगा इस वीडियो में, और कैसे ये महिलाओं के सशक्तिकरण का पूरा प्रोग्राम है उसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में पहुँचाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमें और प्रोत्साहन मिले आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोज़ लाने का। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हम इस तरह की नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचाते रहें। ठीक है, और अभी दोस्तों बिना देर किए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया है यूपी बीसी सखी योजना के लिए, जिसके भीतर मैंने ए टू जेड इन्फॉर्मेशन समझा रखी है। और आपको यहाँ पे ये जो टाइम टू टाइम जो भी अपडेट्स आए हैं इसके भीतर वो भी सारे मिल जाएंगे। तो आपको ये काफ़ी कुछ समझने के लिए कैसे इसके भीतर आवेदन करना है, क्या चीज़ है, क्या वो सारा सब कुछ इस पोस्ट में पता चल जाएगा, क्योंकि अप्लाई करने का प्रोसेस मैं कई बार बता चुका हूँ तो इस वीडियो में नहीं बताऊँगा। हालाँकि मैं इसी लिंक पर आपको जाके इसका पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे इसके बारे में अप्लाई करना है और क्या क्या चीज़ें हैं कैसे। जैसे कि देखो, 58,000 सखी रखी जाएंगे और उनको सैलरी वगैरह का भी यहाँ पे पूरी चीज़ें बताई गई हैं, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। लेकिन अभी हम बात करते हैं आज का। देखोगे अगर ट्विटर पे तो दिनेश त्यागी सर ने भी ट्वीट किया हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो 17 बैंक सखियों को मिला लैपटॉप। ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप दिया गया है। सीएससी और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के सहयोग से गांव की महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम जिले में किया जा रहा है। अभी तक सीएससी और राष्ट्रीय आजीविका मिशन के द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है जिससे महिलाओं की आय बढ़ाई जा सके। इसी क्रम में सूरतगंज ब्लॉक की 17 महिलाओं को गाँव में सीएससी और बीसी सखी योजना के संचालन के लिए एक लैपटॉप, प्रिंटर और थंब डिवाइस प्रदान कर सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला की आयोजित की गई है। इसमें स्वयं सहायता समूह की 17 महिलाओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किए। ये महिलाएं ग्रामीण स्तर पर लोगों को बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं अब आसानी से मिल सकेंगी। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ देखो, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के द्वारा लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, जिससे सरकारी सेवा लोगों को उनके गांव में आसानी से दी जा सके। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी तक जिले में 200 से अधिक महिलाओं को योजना से जोड़ा जा चुका है। 100 नई महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका है जो जल्द ही गाँव में लोगों को योजनाओं में पहुँचाएंगी। महिलाओं को सरकार के आईटी मंत्रालय की ओर से सीएससी खोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सूरतगंज ब्लॉक के विभिन्न समूह की 17 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। यह महिलाएं बैंकिंग, फाइनेंस, पेंशन सेवा, आधार सेवा, कौशल विकास, बिजली बिल भुगतान, रेलवे टिकट, स्वास्थ्य सेवाएं, इंश्योरेंस सहित अन्य सेवाएं सीएससी के माध्यम से दे सकेंगी। इससे गांव के लोगों को उनसे इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा और गांव में ही सारी सर्विसेज उनको मिल पाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लैपटॉप, प्रिंटर और फिंगरप्रिंट डिवाइस, बैग वगैरह दिया गया है इन लोगों को, और ट्रेनिंग भी दी गई है कैसे इनको काम करना है, गांव में क्या काम करेंगी ये महिलाएं। देखोगे तो अगर आप ये गांव में लोगों को पैसे निकालने के काम करेंगे, दूसरी बैंक के चक्कर नहीं लगाने होंगे, गांव की डिजिटल सेवाएं जो है लैस महिलाएं लोगों के हाथों में पैसा की जमा निकासी का भी काम करेंगी। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम योजनाओं का संचालन भी करेंगी। ठीक है, ये एक अकेली पोस्ट नहीं है दोस्तों, यहाँ पे देखो बहुत सी जगह पे, लगभग हर जगह पे इस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं जहाँ पे जो है महिलाओं को ये कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह दिया जा रहा है बीसी सखी योजना के भीतर। इस योजना के भीतर क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे क्या होता है, पूरा अपडेट मैंने इस पोस्ट में लिख दिया है, वहाँ से भी जाके आप जानकारी गैदर कर सकते हो, या हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो पुरानी जो वीडियोज़ हैं जिसके भीतर मैंने बताया था कि एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह क्या है वो देख सकते हो। हालांकि अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो आपको इसके बारे में पता होगा, नहीं पता तो इसी पोस्ट में ही मैं वो अप्लाई करने का पूरा वीडियो दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप देख सकते हो कि कैसे इसके भीतर ट्रेनिंग होती है और कैसे अप्लाई किया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ सभी दोस्तों जरूर पूछिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।